तो ध्यान की इस यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिया मार्ग, शक्ति मार्ग, जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत बहुत रहस्य उद्गृत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाए या कुंडलिनी शक्ति आखिर है क्या, और ये मार्ग असल में कहाँ से शुरू होता है, इसके जनक कौन है, और ये मार्ग कितना पेचीदा है और किन-किन के लिए है। कुछ वर्णन किया और कुछ इसको और बारीकी से समझना जरूरी। क्रिया का अर्थ है पद्धति से चलने वाला मार्ग, टेक्निक ड्रिवन मार्ग। इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, और वो शब्द क्योंकि वक्त के साथ साथ बड़े श्रेष्ठ शब्द भी पिट जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ शब्द भी बहुत बहुत निम्न कोटि पर जाके अटक जाते हैं, उन्हीं में से एक शब्द है तंत्र। तो ध्यान की वो प्रणाली जहां पर तंत्र हो, तंत्र का अगर लिटरल अर्थ जाना जाए तो तकनीक, टेक्निक, तकनीक से चलने वाला मार्ग क्रिया मार्ग है, शक्ति मार्ग है, क्योंकि हर तकनीक शक्ति के आधार पर चलेगी। यूं तो इस क्रिया मार्ग का अधिष्ठाता शिव को कहा, और शिव ने इस मार्ग के माध्यम से ही पार्वती को शक्ति रूपा बनाया। शिव ने इस मार्ग के माध्यम से ही तंत्र को पूरी तरह से विस्तृत रूप दिया। विज्ञान भैरव तंत्र पूरी तरह से तकनीक से भरा हुआ पूरा तंत्र जखीरा है। तो शिव को इसका अधिष्ठाता बताया, और ये ध्यान की वो अप्रोच है जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग भी और कार्य क्षेत्र में लगे हुए जुटे हुए लोगों को भी कुछ करने में बड़ी दिलचस्पी है। ये दुनिया चलायमान है, जहां पर सब कुछ हरकत में है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई कुछ कार्य में रत है, कोई कुछ कार्य में रत है। तो यदि तंत्र मार्ग को आज के समय का मार्ग कहा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। अब तंत्र में अनेक अनेक विधाएं हैं, जो ध्यानी जिस तंत्र की प्रक्रिया से अंतः का गोता लगाए वो उसी प्रक्रिया को विस्तृत करेगा। जैसे गोरखनाथ अलग अलग पद्धतियों के भंडार थे, उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पद्धतियों पर शोध किए, पद्धतियों के प्रयोग किए अंतः का गोता लगाने के लिए, तो वो इस मार्ग के बहुत शिखर स्वरूप हैं। तो ऐसे ही जिन ऋषियों ने, जिन ध्यानियों ने क्रियात्मक रूप से क्रिया पर केंद्रित होके ध्यान की विधाएं निर्मित की, वो सब तंत्र के अधिष्ठाता, वो सब तंत्र मार्ग के माध्यम से अंतः की ओर ले जाने वाले। तो फिर एक ये प्रश्न उठता है, तो क्या इससे कुंडलिनी जागृत होती है? निश्चित रूप से ये मार्ग शक्ति का है। कुंडलिनी के बारे में हम और विस्तृत में स्वरूप में जानेंगे, लेकिन आप समझें कुंड में स्थित होने वाला शक्ति का पुंज वो है कुंडलिनी, एक पोटेंशियल रूप में एग्जिस्ट जो हमारे अंतः में करे वो है कुंडलिनी। उस पोटेंशियल को क्रियाओं से, शक्ति चालन से
रूपांतरित करके उसे मूवमेंट में ला देना, उसे काइनेटिक कर देना, पोटेंशियल को काइनेटिक में तब्दील कर देना, ये है शक्ति चालन का मार्ग। तो इसमें प्राणों का बड़ा इस्तेमाल होता है, इसमें अलग अलग रूप से प्राण को उद्वेलित करना, प्राणों को अलग अलग आयामों पर लेके जाना, प्राण शक्ति को अलग अलग रूप में विस्तृत करना, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोई प्राणायाम के कुछ स्वरूप विकसित करता है, कोई प्राणायाम के कुछ स्वरूप, कोई स्थिरता से तीव्रता तो कोई तीव्रता से स्थिरता की ओर ले जाता है। तो अलग अलग ध्यानी किस प्रकार से अलग अलग विधाएं इस मार्ग के लिए निर्मित करें, ये उनके अपनी परिपक्व अवस्था पर निर्भर है। और एक मजे की बात, क्रिया का मार्ग कभी भी कोई यूं पब्लिकली पेश नहीं कर सकता, इसमें बड़ी बारीकियां बड़ी जटिलताएं हैं। क्रिया के मार्ग में विशेषकर ये राय दी जाती है हर एक उस ध्यानी द्वारा जिसने क्रिया मार्ग से गोते लगाए हैं, अंत्य के जिसने अंत की यात्रा इस मार्ग से की है, वो एक ही राय देता है कि ठीक ठीक मार्ग मिले तभी इस क्रिया मार्ग में उन्नति हो। मार्गदर्शन का महत्व है, किस पद्धति और किस क्रिया से आप ध्यान साध रहे हैं इस क्रिया मार्ग में, इस शक्ति के मार्ग में, उसका महत्व है। क्योंकि शक्ति का चालन होता है, शक्ति का जब स्पंदन होता है, शक्ति जब मूल से उठ के, मूलाधार से उठ के, जब कुंड से उठ के ब्रह्मांड की तरफ बढ़ती है, जब पृथ्वी से उठ के आकाश की तरफ बढ़ती है, जब अधो से उठ के ऊर्ध्व होती है, तब बहुत से चमत्कार लेके आती है, तब बहुत बहुत स्पंदन होते हैं, तब बड़े कमाल के अनुभव होते हैं। चांद तारे यहीं बैठे बैठे दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में एंट्री हो जाती है। एक छोटी सी बात, जैसे मुझे ध्यान आता कि जैसे आपने LSD या फिर आपने साइकेडेलिक ड्रग्स की बात सुनी होगी, तो कहा कि कोई साइकेडेलिक ड्रग ले लेता है तो उस को अलग अलग चांद तारे दिख जाते हैं, किसी अलग ही डायमेंशन में एंटर हो जाता है। तो ठीक है, वो प्राणिक स्पंदन एक क्षण का होता है तो उसको ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रभाव उस रसायन का, उस केमिकल का खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, बल्कि अब उसकी नस नाड़ियां और ज्यादा प्रकंपित अवस्था की वजह से बिगड़ी हुई भी हो सकती हैं। लेकिन यहां क्रिया मार्ग में इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कि प्राण स्पंदन कैसे धीरे 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 नीचे से उठे, क्योंकि यह है शक्ति का उठाव, अधोगति, तो बहुत केयरफुली तकनीकें विकसित की जाती हैं जिससे कि शक्ति का संचालन हो, एक एक मंडल एक एक चक्र भेदते हुए शक्ति ईड़ा पिंगला जो गरम यानी कि ऊष्मा है और जो ठंडक है, ये दोनों ही शक्तियां मध्यस्थ होके स्थिर हों और जो सुषुम्नाई शक्ति के रूप में सुषुम्ना स्वरूप होके उठें, तब ही वो शक्ति चालन है। तो ये प्रक्रिया बहुत बहुत रूपांतरण लेके आती है इस फिजिकल शरीर में, और इस प्रक्रिया में अनुभूतियां बड़ी तीव्रता से होती हैं। जिन जिन को इस प्रक्रिया का थोड़ा बहुत भी अनुभव होगा, वो जानते होंगे कि कैसे शक्ति एकदम स्पंदित होके कूदती है, जंप करती है। तो वहां पर मार्गदर्शन की बड़ी महत्ता है कि हम किस किस तरीके से उन्नति कर रहे हैं, या हमारी अभी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे को अभी रुकना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे को अभी और तैयारी की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभी किसी गलत ही तरीके से बढ़ रहे हों। तो बहुत सी इसमें बारीकियां और जटिलताएं हैं। तो ठीक ठीक मार्गदर्शन का क्रिया मार्ग में
जहां शक्ति का स्पंदन और संचालन हो वहां बड़ी महत्ता है। और इसमें हर एक की अपनी क्रिया, अपनी तकनीक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा अनेक अनेक मनीषियों के, ऋषियों, ध्यानियों के अपने अपने अलग मार्ग है। तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि इन्होंने अपनी ये क्रिया विकसित की, इनकी ये क्रिया विकसित हुई, इनकी ये क्रिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी उसी क्रिया पर पकड़ है। किसी की कोई क्रिया है जो उसने अपनी अनुभूति के साथ विकसित की है, किसी की कोई क्रिया है उसने उसके आधार पर अपना अनुभव और उसके आधार पर दूसरों को अनुभूतियां दी हैं, तो वो उसका मार्ग हुआ क्रिया का। इसलिए इसमें जितने ऋषि अनुभूत हैं उनकी अपनी अपनी क्रियाएं हो सकती हैं, और एक ही ऋषि की अनेकानेक भी क्रियाएं हो सकती हैं, ये भी संभव है। जैसा कि गोरखनाथ का बहुत बहुत खूबसूरत उदाहरण है, उन्होंने अनेक अनेक पद्धतियों से शक्ति के संचालन और शक्ति के रूपांतरण पर कार्य किया। इसलिए आपने एक बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि गोरख धंधा का अर्थ है कि विस्तृत रूप फैला हुआ। तो ये लोकोक्ति बन गई, जैसा मैंने कहा कि कैसे कब ये शब्द और ये बहुत ही निर्मल वाक्य भी बहुत वाहियात रूप ले लेते हैं। ये उसी में से उदाहरण कहेगा, अपना गोरख धंधा बंद कर, अर्थात अपना फैला हुआ कार्य बंद कर, अर्थात गोरखनाथ ने अनेक अनेक पद्धतियां विकसित कर दी थी। इसलिए कहा जाता कि ये इतने फैले रूप को समेट लो। आगे हम और पद्धतियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके कुछ प्रश्नों का भी उत्तर देंगे।